चन भारती देखा था इसमें 2 अप्रैल 1948 में अड़तालीस इनकी मृत्यु होगी और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहां उत्तराधिकारी बना दिया था पुणात्मा दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं, एक महापरोपकार कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 सौ सौ के सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से टेलीविज़नों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी महाप्रोपकार किया ना जाने कितने लोग ठगे जाते बर्बाद हो जाते तो इस दास का यही प्रयत्न है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया उनका एक मिलता है एक जैसा मंत्र है एक जैसी साधना है उनकी और जो ये नकली संत हैं इनकी साधना गलत सत्रह वर्ष तक अठियोग किया शिवदयाल जी ने है किसी संत के प्रमाण में गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे हलवाते थे खेती करते थे भगवान का सेवन करते थे गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया नानक साहेब जी भी पहले नौकरी करते थे फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी दस बारह वर्ष प्रचार किया फिर परमात्मा ने आदेश दिया कबीर जी ने पूर्ण परमात्मा ने सतपुरुष ने कि आप अपनी भक्ति करो इनको बाद में देखेंगे अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा और नानक जी का इतना विरोध हो गया था उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है पर माँ विष्णु मई इसको तो नानक साहब जी खेती भी करते थे बाल बच्चेदार थे और दादू साहेब जी तेली का काम करते थे तेली बैल चलाते थे कोल्लू रखते थे ऐसे मुलुकदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया और उसका उसको परिणाम क्या मिला ये पांच नामों का जाप करने वाला भूत बना वो और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी यानी जयमल सिंह जी का शिष्य और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी डेरा सच्चा सौदा सरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं नाम तीन लिए सतपुरुष और अकाल अकालत और सबद स्वरूपी राम यो कहने के लिए एक जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम ये नाम जप उनसे क्या रिजल्ट हुआ इसका बलोचिस्तानी सामस्ताना फाउंडर ऑफ द सच्चा सुरदा सरसा उसके प्रवर्तक का क्या बना अब दिखाता हूँ देखो यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत पहला भाग और इसके लिखने वाले कौन हैं जो वर्तमान में सच्चा सौदा सरसा के गद्दी निशीन है परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी आप देखो पृष्ठ इकतीस है ये बेप्रभा जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए वो बीमार हो गए थे ठंड लग गई थी उसके पीछे काफी लंबा वर्णन थोड़ा सा सुनाएंगे आपको आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान और तीन चार और प्रेमी थे अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए यानी वो बेपरवाजी खेमा जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह दस बजकर पंद्रह मिनट पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया छोड़कर अनामी देश में जा आए इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसके और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी दस मिनट में इसकी और वहाँ से इसको उठाकर फिर नौका नाम भी देश में जा समाए यह दृश्य देख डॉक्टर के पसीने छूट गए वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा बाबा जी के अनुयायियों अनुयायियों से बर्बाद कर देंगे उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था वो है अब क्या करें अब ज़्यादा ना पढ़ें बाकी तुम पढ़ लियो ले कर इनके पास बहुत मिल जाएंगी इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके ये सारे ब्रेन मट्टी हो कमरे बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दूँ इनकी लास्ट में इनके ऑपरेशन उप्रेस, हुआ तो पता नहीं वहाँ बम्बई में ले गए टांग में दर्द हो गया उसके को बीस डॉक्टरों को दिखाया फिर आर्ट में डिफेक्ट हो गया वाल में डिफेक्ट हो गया जयपुर ले गए फिर मुंबई ले गए फिर वापस लाए और फिर काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़ कर गए अब कहने का भाव ये है कि अब आपको दिखाते हैं इनके परम परमदणी की दुर्गति किसकी शिवजाल जी की अब पुणात्माओं कहते हैं मूल जो इनका है उसी के विषय में जानकारी होने से आराम से समझ समझ में आ जाएगी आपके कि बाकी जो दूसरे इसके अनुयायी हैं वो कहाँ जाएंगे जैसे ये एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में और वो भी आगरा से शिवदाल जी के ही शिष्य हैं शिष्य के शिष्य ऐसे परंपरा जैसे जय जै, जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहाँ मथुरा में तुलसी साहेब बोल रहे हैं उसको उनका शुभ नाम तुलसी साहेब वर्तमान में जो वहाँ बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है तो उत्तर देते हैं तुलसी साहेब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में तो उसने क्या बता उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में और सतपुरुष जिन जानिया और सतगुरु जिसका नाम तिन के संग शिष्य ऊब नानक हर गुण गाओ नानक साहब की वाणी बोली उस चल्ले ने उसके गुरुजी के आदेश से वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो है उसका सतगुरु नाम है और उनसे उनके नाम लेते उनकी शरण जाने से सबका उद्धार शिष्यों का उद्धार हो जाता है अब देख इनकी अकल किया कल इन सतनाम का दबेरा भी कोई नहीं बात करें सतपुरुष की अब थोड़ी सी और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए देखिएगा वचन राधा स्वामी वार्तिक राधा स्वामी सत्संग व्यास और ये कहां से छपी है कौन इसका प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑपसेट प्रिंटर्स दिल्ली इसकी भूमिका में क्या लिखा यह पढ़ने वाला है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है किसका शिवदयाल जी का ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाएगा ये तो पहले हमने बता दिया यहाँ देखो स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था आपने पंद्रह अगस्त सन अठारह में आगरा शहर में जन्म लिया अब हम आगे आते हैं इस ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया खुलासा उपदेश अधा स्वामी साहेब का वचन अब ये दफ़ा एक सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानि मनुष्य अपनी सूरत यानि रूह को उसके खजाने और निकास यानि मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए यहाँ सतनाम को मुकाम बता रहे हैं सथान मुकाम माने स्थान सतनाम सथान सतनाम में मुकाम को से चे सथान को अब यहाँ सतनाम को सथान सिद्ध कर रहे हैं मुकाम सतनाम यानी सथान सतनाम राधा स्वामी भी स... स्थान पहुंचावे ये सार्वजन वार्तिक भाग पहला अब चौदह पृष्ठ हमने तेरा चौदह पे अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजम हुए वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर यह मंजिल फिर सतनाम स्थान बता दिया इन्होंने मंजिल माने स्थान सतनाम स्थान और बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी स्थान बता दिया ये मंजिल माने स्थान अपने आप अर्थ बता रहे हैं अब यहां देखो पंद्रह पृष्ठ पर चार नंबर वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है स्थान है और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है वहाँ सतना सतनाम को स्थान बताओ थे ये अरब कहते हैं सतनाम यानी स्थान का स्थान है कि जिसको संतों ने सतलोक सचखंड और सार सबद और सत सबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है ये सतनाम की डेफिनेशन है किया ये सतनाम मा समझ मारा कहीं नो कहें सतनाम को सतलोक भी कहा है सतखंड भी कहा है सार शब्द भी सतनाम को कहा है सत शब्द भी सतनाम को सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को जय गुरुदेव वाला तुलसी साहेब वर्तमान गद्दी नसीन है उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम इस शिवद्याल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी के ऊपर जान देंगे सतपुरुष ने तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवद्याल जी ने सतपुरुष जाना सतनाम को सतपुरुष का और की तब सतनाम ने सतान बतावे सार नाम भी सतनाम सार शब्द भी सतनाम सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम तो ये पूरे गुरु के लक्षण है आदि गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सत गुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग परवाने जूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान एक भक्त ने कहा राधा स्वामी वालों से को डिस्कस हो रही थी उन्होंने कहा भी, जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवद्याल जी को यह आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है अक नहीं पहले तो नहीं आया फिर उन तीन युगों में किसने संभाला बात तो भाई ठीक है तो परम धनी की तो है परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान है जूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे धक्कार उसकी फिर भक्ति ने क्या उसके पास आम जीव बराग्र नहीं होते अब दिखाता हूँ शिवजाल जी भूत बने फिर श्री शिवजाल जी फाउंडर ऑफ दारादा स्वामी पंथ ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे समझदार को संकेत भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में समक्ष ओरिजिनल और दोनों नोट दे बाप की मर्जी जो ठीक वो सिलेक्ट कर लियो ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब ये शिवजाल जी के छोटे भाई थे प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा मुद्रक हैं अर्पण पेंट्री राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद और ये है वो परमदनी जान से देख लो कर लो महापुरुष के दर्शन ये है परम पुरुष पूर्ण दधी अजूर स्वामी जी महाराज अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर इनका कोई गुरु नहीं था पहले तो ये स्पष्ट करते हैं ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और ने किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया अब गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद प्राण ये परमात्मा का आदेश है देखना इसकी क्या दुरुक्ति हुई अब आते हैं पृष्ठ अठहत्तर पे है पृष्ठ अठहत्तर पर जीवन त्रितर अब कैहत्तर नंबर वचन है इनके गीता के से वचन है सवा वर्ष डेढ़ सौ वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आई हो अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी थोड़ा सा हाल लिखा जाता है यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुरख अंगारा सी हो जाती थी इस बुक्की में पहला भी भूत था ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे बहुत देर तक तो यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या और कसर की परमदणी की हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुँह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ अब ये राजा स्वामी वाले ये भी कहा करें कि पूरे गुरु किया अभी पहचान है वो मत्था ना टेकवाता था। थारा परम धनी भी मत्था टेकवा था और वह बयान किया करती थी मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है इनके वजन का ये हाल था कि आठ घंटे नौ घंटे रोज वजन किया करती थी बेहोश होकर पड़ जाती भूत था उसमें पहले भी इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था अब दर्शन के रह गए सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी <laughs> कौन से देश में बताइए सतनाम का नाम <laughs> ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात उस पड़ी रहती थी स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और दो दो दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी फ्रेस होने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी करीब डेढ़ महीने तक यह हाल रहा सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की में के बढ़ गया प्रवेश कर गया सवा महीने तक इसकी देह ड्यूटी होगी उड़त तपथ पर सारा घूम घाम के फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के उसी तरह से करो और फिर उसी रोज़ क्या कहा करीब डेढ़ महीने के ये हाल रहा सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे तब तो स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह से करो और फिर उसी रोज से की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और रुका बरती थी वह पलंग अभी तक बिछा हो रहता है गरज की जिस तरह से की पेस्तर सेवा किया करती थी वो जीता जी सेवा करा करती थी स्वामी जी की रोटी बनाया करती हु दिया करती वो पिया करता उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे आय हय नौके ध्यान के, के समय में वो भूत आ जाता रोटी खाता रोका पीता बुक्की के माध्यम से नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेश तर यानी पहले करते थे बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे उसका माय प्रवेश रहे वह आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे <laughs> बुक्की जी में इंटरनेट लाइक गया हाँ उसमें बोला करता भूत यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उड़ जाने के लिए इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई मुसीबत आ जाती थी लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा है शिवजाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाकर तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था आ, बुक्की जी का फरियाद लगाते बुक्की में बैठा था बहुत वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे अब प्रताप सिंह जी राइटर ऑफ दिस जीवन चरित्र अपने बड़े भाई शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जा कर इंटरनेट ऑन कर लेता था अर्ज करता था और उस समय भूत बोल रहा शिवद्याल जी इनका परम ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था और इसी तरह कहते हैं इस भी ग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्डा बता हैं वो भी बुक्की जी का गाह जोड़ गा, कर तीन चार बार उसने भी प्रार्थना की थी ये देखिएगा अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का यहाँ देखिएगा यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को भी जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक जी सरद किया करता था तो जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी से उसी के मुआफिक बंदा, कार बंद होता था उसी तरह करता था इसी तरह से राय साहब ने युसालाम बोल जिसने भी मौज की थी बुक्की जी के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे यानी बुक्की में भूत बोला था शिवदयाल जी और ये उस पर तो प्रार्थना कर दो कि मैं एंडमेंट पहले की तरह बता देता अपना आत्माओं एक भक्त बतावा था मेरा चाचा था सगा काका और राधा स्वामी पंत से को पच्चीस वर्ष से नाम ले रखा था और सुबह शाम काफ़ी देर तक बिल्कुल ऊपर डाल के और ऐसे बैठ जाता था टस से मस नहीं होता था दो दो डेढ़ घंटे प्रतिदिन और वो का लाडा था चूरमा बहुत खाया करता उसकी फिर मृत्यु होगी होक्का भी पिया करता बीड़ी बैड़ी पीता था या तो इनका दा लाई है शिवजाला ओक्का पी हुआ इनका परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोत्रा आप और शराब कबीर कौन कर बंदगी ये तो करें खराब अमल आहारी आत्मा कदी ना पावे पार कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार अरे उक्का पी है अब क्या हुआ वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधु में आके बोलन लग गया वो पड़ जा बेहोश होके फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठ और न्यू कह मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं और चूरमा बनाओ अब सुरमा बनावे सुरमा खावे बीड़ी लाओ वो बीडी पी लागी वो लड़की उसकी पुत्र वधु अब बड़ा और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा ऐसा कर लो तो कहते वो हमारा उसने एक दो बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई लेकिन वो रोज़ाना हुआ उसकी पुत्र वधु कोई काम नहीं कर पावे कति दुखी हो गए वो उसके माँ पड़ा रहे बेहोश पड़ी रहे उठा जब चुरमा मांगे क्या बीड़ी मांगे और वह पहले बीडी नहीं पीती थी वो चाचा कर उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी डी भी पीण लाएगी और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है उस परम धनी राधा स्वामी जी के पंथ के प्रवर्तक की बुक्की जी पहला बीडी नहीं पी हुए थी कानी पिया करती वो उसमें आ गया चूरमा बना हुआ है आप बुक्की के माध्यम से और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भरम कि तू आज भी संत है और चूरमा खबर ऊपर धोखा पी हुआ गरुड़ बुक की पी हुए वो भीतर भूत बैठे उसमें अब वो बता रहा था कि हमने ना आपका नाम ले लिया यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं तो हम उसको भी लाए उसकी पुत्र वधु को उन्होंने उपदेश लिया अब उस ताद पीछा छुटा भूत तय अब पता नहीं कहाँ गया वो तो पुणात्माओं दास आपको को अपनी तरफ से बात बना कर नहीं कह रहा उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान पाया उनको उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए और ये पांच नाम जाप करने वाले और तीन नाम वो जो सतपुरुष अकाल मुहूर्त स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूतभिंड बुक्की में प्रवेश हो गया समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूँ लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहण की और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा अब क्या बताते हैं चातुर प्राणी चोर हैं मूड मुग्ध हैं ठोठ है, संतों के नहीं काम के इनको दो गढ़ जोट इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और पजूर साहब सिद्ध रहे, और ये मूल इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ वो हमारे काम के नहीं वो उनको दो गलजोट वो वहीं रह रहे वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन मट्टी होनी उनकी फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है उन, उनको एक शब्द मिल गया करने नो दीदार महल में प्यारा है वो बत्तीस तैतीस कड़ी का कली का वो है शब्द और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि माया की चतुराई जूठी बाजी पेंड दिखाई और अव आउ, अवगत रचना रची पेंड माही ये माया जाल पसारा है अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है और उसका उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सावन सिंह जी ने और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं निराकार प्रकाश ही प्रकाश है आत्मा वहाँ ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है देखिएगा क्या बताते हैं अब सब वर्णन करके ये लंबा शब्द है अभी नहीं बताएंगे लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं अपना उसे जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक तो वहां क्या होता है कि सोडस बानु हंस को रूपा कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में तीन मंत्र का जाप करके दो अक्षर का वो सतनाम और एक अक्षर का आदि नाम इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहां पहुंच जाता सत्य में वहां इस जीव का सोलह सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का सोडस बानु हंस को रूपा बीना सत बजे अनुपा अनसा करत चंवर सिर भूपा वो सतपुरुष दरबारा है वहां जाने के बाद जीव इस आत्मा का इस जीव का हंस रूप हो जाता है और सोलह सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है और वहां भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चवर करता है वहाँ जाकर के प्राणी यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है मनुष्य दृश्य ना होता तो चंवर किस पर करते व परमात्मा ने अपना भेद बता रख अज्ञानियां समझ में बिना या वाणी बिना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने सोडस बानु हंस को रूपा बिना धुन बजे अनुपा हंसा करत चंवर सिर भूपा अर्थ वो सत पुरुष दरबारा है वो सत पुरुष का दरबार है स्थान है कोटि भानु उदय जो हुई यानी सत पुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हो इतने ही पुनः चंद खलोई इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की ऐसा पुरुष दीदारा है ऐसा दर्शन का अब क्या बताते हैं काया भेद किया निर्वारा यह सब रचना पिंड मंझारा और माया अवगत जाल पसारा सोकारीगर भारा है इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है वहाँ नकली सतलोक नकली अलखलोक नकली अगमलोक और नकली अनामी अकैलोक बनवा रखा है इसने तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आदि मायाकि चतुराई और झूठी बाजी पेंड दिखाई ये पेंड कहो अंड कहो अंड कहो इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है अंडे जैसा और इस पेंड शरीर के अंदर कमल बने हुए हमारे सारे कमल उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं मूल कमल स्वाद चक्र नाभि कमल अर्द्या कमल कंठ कमल त्रिकुटी कमल और ये सारे सेंसरार कमल और कहते हैं जैसे टेलीविजन में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उसी उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं ये धुन सुनते हैं इस पिंड में शरीर में धुन सुनो और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही हैं नकली सतलोक की नकली सचखंड की और वह सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर उस परले पार कोई पहुँचा है ये सतनाम मना समझ मै इनके सतनाम सतपुरुष भी सतनाम सार शब्द भी सतनाम सतपुर सतनाम भी सतनाम और शब्द भी सतनाम सतलोक भी सतनाम सतपुरुष भी सतनाम क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम तो ये सतगुरु भी कौन है उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं ये निराकार बताओ और परमात्मा कहते हैं साकार है अब क्या बताते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कभी सतगुरु दी तारी खुल्ले कपाट सबद जनकारी पेंड और अंड के पार सो देश हमारा है इस पेंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड और ये नोके हैं वहां परमात्मा है कोई नहीं ये दोनों सुनो इसमें ये काल की दोनों सारी अब गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे पर ले पार का जो भेद कह जनकार का कोई हैरे पर ले पार का जो भेद कह झनकार का, का। वारही गोरख वारही दत्त वारही दरु प्रहलाद अर्थ वार माने उर्ली साइड में इधर ही रहेगी उर्ली साइड में वार और पार परली साइड में वारही गोरख वारही दत्त गोरख तो आप जानते दत्त दत्तात्रेय और ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं ये इधर ही है इस काल के जाल में रही गोरख वारही, वारही दत्त वारही दुरु परलाद अर्थ वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पारासर प्रकाश वारही दुर्वा सादर वेश वारही नारद सारद शेष वारही भरतरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद वार माने उर्ले ही साइड में वार ही इधर ही वा रही ब्रह्मा वा रही इंद्र वा रही गोविंद एक हजार कला का भगवान यु काल भी इधर ही है रही शिव शंकर दो संभ वा रही धर्म राय आरंभ ये तुम्हारा शिव शिव शंकर भी वारही है तुम्हारा संभू और धर्म राय भी वार ही है वारही रही धर्म राय धरधीर परम धाम पहुंचे कबीर अथर वेद परम धाम नहीं लय वेद अब चारो वेदों में परम धाम सतधाम सतलोक धूलोक इन सब का वर्णन है लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दिलवा रखा दे रखा है अलल पंख भेव जैसे कुंज सुरती से वार पार्थिहा ने था गरीब दास निर्गुण निगाह गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया में लेकर गए फिर वापस छोड़ा आंखों देखा हाल लिखा भगवान का और परमेश्वर ने स्वयं बताया है अवधू अवगत से चल आया कोई मेरा भेद मरहम ना पाया ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया काशी नगर जल कमल पडेरा तहाँ जुलाए न पाया मात पिता मेरे कुछ ना, ही, ना मेरे घर दासी जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आसी पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे मैं जानू ज्ञान अपारा सतसुरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा अदर दीप गगन गुफा में वस्तु सारा तरा अलख निरंजन हमारा हड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी तारण तरन पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी अब क्या बताया भगवान ने स्वयं आग्र कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी ज्ञान से परिचित कराया तब समझ गए वो तब उन्होंने पूछा आप कौन हो कहाँ से आए हो तो स्वयं बताया कि अबधु अब अवगत अब, अब से चल आए अविगत जिस जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त उस सचखंड सतलोक से और मेरा भेद मरम नहीं पाया ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा मैं बालक बने दिखलाया बालक बनकर प्रगट हो गया और काशी नगर जल कमल पर डेरा कहा न पाया मात पिता मेरे कुछ नहीं ना, ना मेरे घर दासी मात पिता मेरे कुछ नहीं मेरे माँ बाप नहीं है मेरा जन्म नहीं हुआ और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है जुल्हे का सुत आने कहाया जगत करे मेरी हाँसी मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के, कहते थी कोई पिछली इस पुणात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूँ पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा यजुर्वेद अध्याय नंबर चालीस के मंत्र नंबर आठ में कहा है कि सुक्रम अकायम सिया यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से स शरीर सम, यानी थ सीर परमात्मा है सबसे पहले और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविम अ पाप विदम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू ओ अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की लेकिन ये सुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे और फिर स्वयंभू कहा निराकार है स्वयंभू के एक आवश्यकता थी लिखने की और अकायम था अकायम शब्द लिख देते सुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ जो से नहीं बना और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए शुक्र म कायम है शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना नूर से और वो क्या है वो कबीर मनीषी वो कबीर परमात्मा है मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत मनीषी तत्वदर्शी संत वो कबीर जी स्वयंभू स्वयं प्रकट होते हैं स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का जो स्वयं भू लिख दिया और परिभू सबसे पहले प्रगट पुरुष वो परमात्मा है और अपनी अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं तो यहाँ क्या बताते हैं अदर द्वीप गगन गुफा मैं तानिद वस्तु सारा गोरखनाथ से करें भगवान तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ध्यान हमारा क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले कारोक निरंजन हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी वो बाबा आया करता इनकार था अलोक निरंजन अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है ये पता गया आंधे काल का नाम ले अलोक निरंजन आटा गालियो माई तो ये इस अलख निरंजन सुप्रीम पावर मान रहे परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा हार्ड चाम लहु ना मेरे मेरा शरीर हार्ड चाम से नहीं है और कोई जाने सतनाम उपासी यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे दे, पहचान सकता है और तारण तरण अभ दाता मैं हूं कबीर अविनाशी आत्मा हम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के बच्चे हैं वो हमारे पिता हैं, हम काल के जाल में फंस गए और अपने का दुख अपनों को ही होता है वो परमात्मा यहाँ ऐसे सुंदर लोक न छोड़ के जिसमें दुख नाम की चीज नहीं और यहाँ परमात्मा का एक दिन भी चैन से नीरे दिया उनके साथ मार मार रखी घर घर में गए गांव गांव में गए नगर नगर में डंडोरा पीटा कहीं जाकर खड़े होके अपने आप आवाज लगाने लग जाते कथा सुनाने लग जाते अपने अमृतवाणी सुनाने लग जाते बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो जाते परमात्मा के फिर बन जाते इस ज्ञान को समझाया उनके दुख दूर किए और हम इतने अग, इतना जो है हमें हम इस अज्ञान से भर दिए काल के दूतों ने हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे कहा परमेश्वर ने चारों युग में संत पुकारे कुक कहा हम हेल रे हीरे माणिक मोती बरसें ये जग सुगता ढेल रे कबीर परमात्मा कहते हम चारों युगों में आए संतों को समझाया अच्छी आत्माओं को उन्होंने फिर मेरे से परिचित होकर के इस तत्व ज्ञान का डोरा पीटा चारों युग में संत पुकारे कूक हम हेल रे और ये हीरे माणिक मोती बुरस ये जग रहे। तत्व ज्ञान रूपी अमृत और मोती बरसा रहे हैं हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं तत् सत्साधना रूपी और ये विरुद्ध साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण करके डड़े ढो रहे हैं अब गरीबदास साहिब जी ने कहा अनंत कोट मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिर हार सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग परवान जूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूतमसाण अब आपने शिवद्याल जी की दशा देख ली भूत बनकर अपनी बुक की में प्रवेश तो परमात्मा गरीबदास साहेब ने जो कहा कि जूठे गुरु मरके के भूत बन बने फिरे हैं और उनके अनुयायी कहाँ जाएंगे सोच लो भक्तो मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चुनका फिरा मोतिया बंदर ये परम धनी को आंख में चूं बैठे संता भगता ने सोचे भी तो भगवान तो मिल गए और कहते हैं ऐसी आँखों बदल कर को देखो बिलो इसमें इस, इस किम्य आँख बदल के देख लो बिना बदले देख लो ऋषि मह ऋषियों ने इसको खूब छान रखा सारे कमल नारी नारी, नारी बता रखे फिर भी ना पाया भगवान के निराकार और वह छोरी दादा स्वामी और दन सतगुरु जय गुरुदेव वालों की भगवान निराकार बताओ और परमात्मा सह शरीर मनुष्य दृश्य और उसके एक रोम को अपम क्रोण सूर्य देख क्रोड़ चंद्रमा ऐसी शोभा है तो निराकार कैसे हुआ तो यहां भगवान बताते हैं समझा है तो सिर धर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाओ समझा है तो सिर पर पाओ धर लो और आ जाओ सतलो का सर बरवाड़ा में छुटवा लो पीछा बोलो सतगुरु देव की जय परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं ये हमारे पिता हैं इन्होंने आकर हमें ज्ञान कराया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो जिस स्थान को जिस लोग को तुम अपना मानते हो ये आपका नहीं है आपको यहाँ विवश करके रोका हुआ है यहाँ 21 ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है प्रभु है जिसको तुम ब्रह्म कहते हो ये ज्योति निरंजन काल है इसको शराप लगा हुआ है एक लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और उसी उद्देश्य से इसने आप जी को यहाँ विवश करके रोका हुआ है अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए आप जी को यहाँ झूठे लालच में यहाँ बांध रखा है और जन्म और मृत्यु का यहाँ का विधान के आप जी को उसी कोल्लू में पीड़ रहा है पुण्यात्माओं अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं यहाँ आप देख रहे हो क्या दुर्दशा है प्रत्येक प्राणी की किसी को कोई कष्ट है किसी को कोई कष्ट है मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों का ये हाल है अन्य योनियों का क्या हाल होगा जैसे कुत्ते के शरीर में गधे के शरीर में पशु पक्षियों के शरीर में कितना दुखी है ये प्राणी और मनुष्य जीवन में भी क्या हाल है प्रत्येक प्राणी का कोई प्राणी सुखी नहीं इस दुख को हमने सुख मान लिया इस दुख के अंदर थोड़ी सी राहत किसी को है उसी को हम सुख मान बैठे इसके लिए परमात्मा कबीर देव जी कबीर साहेब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद ये सकल चबी नाकाल काल का कुछ मुख में कुछ गोद परमात्मा कहते हैं कि सभी काल आहार है ये जो इसने किस मंड में आपको उत्पन्न किया हुआ है अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब कुछ किए हुए हैं आप जी इसके आहार हो जैसे कसाई बकरे पालता है उसका उद्देश्य क्या होता है उन बकरों को सुविधा देने का अपनी रोजी रोटी और स्वयं आहार करना उन बकरों के लिए बकरियों के लिए वो कितनी सुविधाएं करता है उनके लिए तरागहा बनाता है जल की व्यवस्था करता है तालाब और ऊपर सेड डाल देता है झोंपड़ी बनाता है गर्मी सर्दी से बचाने के लिए उन सुविधाओं को देखकर वो बकरे वो समझते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है इसने हमें बहुत सुविधा दे रखी है और जिस में वो कसाई उनका मालिक उन बकरों के उस स्थान पर आता है तो बकरे उसको अपना एक बद्र पुरुष मानकर, अपना नेक मालिक मानकर, उससे प्यार करते हैं उसके पास आते हैं कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर उसको प्यार देना चाहता है सीने से लगाना चाहता है बकरा और कोई उसको चाटता है मूर्जी वहाँ से एक प्यार जताने के लिए और वो देखता है ऐसे हाथ लगाता है वो उसको चाटते हैं प्यार करते हैं वो देख रहा है कि कितना मास इसमें बन गया कितने किलो का हो गया यो, कितने का बकेगा और वो बकरे सोचते हैं ये हमें लाड कर रहा है वो उससे प्यार करते हैं अब उन सुविधाओं को देखें तो बकरों को ये ऐसा लगता है कि बहुत नेक आदमी हो और फिर जब कहीं से ऑर्डर आ जाता है दस बीस बकरों का उस समय ये नहीं देखता कि इसका बेटा मरेगा बेटी मरेगी माँ मरेगी या भाई मरेगा वो तो लेकर लाठी और हाँक लेता है उसको किसी का बेटा मरो आओ चाहे किसी की बेटी चाहे माँ या भाई या बहन और वो जाकर के उनको काट देता है तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने बताया कि धर्मदास धर्मदास उनकी एक परमात्मा एक श्रेष्ठ आत्मा अच्छी आत्मा उनका भक्त हुआ जिसको परमात्मा आकर मिले थे एक विधान है परमात्मा का परमेश्वर का जो वेदों में भी वर्णित है और वो लीला ऐसी करते ही हैं और वेद भगवान की ही गुणगान करते हैं वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा उप्र लोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे स्थान पर विराजमान है तीसरे मुक्ति दाम में रहता है वहाँ से गति करके नीचे आता है श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है उनको ज्ञान बताता है यथार्थ ज्ञान देता है उसी उद्देश्य से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे एक बहुत ही अच्छी आत्मा परमात्मा की खोज में भटक रही थी परमात्मा आकर उनको मिले तब तो उनसे कहा था कि धर्मदास जिसको तुम पूज रहे हो ये काल है गीता अध्याय नंबर ग्यारह के श्लोक बत्तीस में स्वयं कहता है मैं काल हूँ सबको खाने के लिए आया हूँ और तुम फिर भी इसी की पूजा कर रहे हो सर्फ को दूध पिला रहे हो फिर परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जैसे आप जी देखते हो कि यहाँ कितनी सुविधाएं दे रखी है काल भगवान ने कितनी बड़ी पृथ्वी है इस पर कितने अच्छे मेवे लगे हैं मेवा काजू किसमश फल लगे हैं सेब संतरे और कनक गेहूँ चना बाजरा ज्वार मकई और फिर कभी वर्षा हो जाती है झरने बह रहे हैं दरिया बह रही हैं नीचे ज़मीन में शीतल जल मीठा जल भर रखा है इन सुविधाओं को देखते हैं शीतल हवा चल रही है सूर्य उदय हो रहा अस्त हो रहा है इन सुविधाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी सुविधा हमें भगवान ने दे रखी है तो इस दृष्टिकोण से तो हम सोचते हैं बड़ा दयालु है ये भगवान जिसने हमारे को इतनी सुविधा हमें दे रखी है कितना ध्यान रखा हुआ हमारे प्रत्येक व्यवस्था का प्रत्येक व्यवस्था को कितना अच्छी तरह हमें दिया हुआ है कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है सब सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं किसी का बेटा मर गया किसी की बेटी मर गई एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार दुर्घटनाग्रस्त होकर के समाप्त हो जाता है तो कहाँ गई फिर इसकी दयालुता उसमें हम याद भी नहीं करते कि भगवान होता है ऐसे जुल्म किया करता है क्योंकि हम ऐसे लोक में रह रहे हैं इस गंदे लोक में रह रहे हैं, यहां पर ये सदा बना रहेगा जन्म और मृत्यु इस तरह की घटनाएं सदा बनी रहेंगी उसके लिए परमात्मा ने कहा कि एक और स्थान है सतलोक सचखंड उस सतलोक में जाने से तुम्हारी ये सब समस्याएं हल होंगी सब समस्याओं का समाधान होगा यह परमात्मा कहते हैं कि मैं रो तू सृष्टि को और सृष्टि रो है मोहे गरीब दास इस योग को समझ नहीं सकता कोई परमात्मा अपनी लीला करता है अच्छी आत्माओं को मिलता है उनको ज्ञान देता है उन अच्छी आत्माओं में से आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ाणी जिला दद्दर हरियाणा वाले हैं और उनको भगवान मिले सतलोक लेकर गए सचखंड दिखाया सब व्यवस्था दिखाई ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए धर्मराज का स्थान दिखाया और जहां प्राणी नरक में दुख पा रहे थे वो स्थान दिखाया यहां का नकली स्वर्ग महास्वर्ग दिखाया यहां के नकली कंस्ट्रक्शन कर रखी है इस काल ने अपनी शक्ति से करवा रखी है नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक नामी लोक नकली ब्रह्मलोक में बना रखे हैं वो भी दिखाए और जहाँ बैठकर कर एक लाख मानव श्रीधारी प्राणियों को ये आहार करता है वो भी दिखाया फिर अपना सचखंड दिखाया सतलोक दिखाया और वहाँ परमात्मा को देखकर सारी व्यवस्था को समझकर संत गरीबदास साहेब जी बड़े खुश हुए फिर परमेश्वर ने उनको वापस भेज दिया शरीर में उस समय गरीबदास जी के शरीर की अंतोष्टि करने की तैयारी थी मृत जान लिया था क्योंकि आत्मा को परमात्मा निकाल ले गए थे चिता के ऊपर रख दिया था तो परमेश्वर ने वापस भेज दिया तभी वो चिता पर ही हलचल हो गई नीचे उतर आए उठ चल पड़े परमात्मा की आंखों देखे उस व्यवस्था का गुणगान करने लगे अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहिब जी के आत्मा में अंतःकरण में यह ज्ञान भर दिया था जो उन्होंने बाद में बोला तो यहां बताया है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला और तुम रोवत हो मोह सृष्टि रोवे मोहे गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कबीर परमेश्वर जी कहते और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के दूतों से चिपके हुए हो इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो और मुझे नहीं पहचान रहे और तुम मुझे खोज रहे हो तुम मुझे ढूंढ रहे हो लेकिन मुझ तक ना पहुँच कर इन काल के ही इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं अब मैं ज्ञान बताने आया हूँ अब तुम सुनते नहीं तो परमात्मा ने क्या बताया है मानुष जन्म दुर्लभ है मिले नर्म्बरे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डारे राम रटत कन्या भली साकेट बलो न पूते छेरी के गल में गल जिसमें दूध नामूते राम रटत दारी इधर भलो टूटी की छाने वो कंचन महल किस काम के जा भगती नहीं भगवान राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं ही नाम